हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। आज मैं टोकी साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में टू वेल्स आया हुआ हूँ। इट्स अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त जगह है। देखें ब्यूटीफुल टाउन, आप ज़रूर आए। ये इनका सी साइड है सारी, सो इट लुक्स ब्यूटीफुल। आज दिन भी बहुत खूबसूरत है, इवन इस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर काफ़ी जगह पे बारिश चल रही है, बट यहाँ ये बहुत खूबसूरत वेदर चल रहा है। सो लंदन से इस अबाउट 4.5 आवर ड्राइव। अगर आप लोग आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये टोकी हार्बर है, लोगों की यहाँ प्राइवेट बोट्स एंड यॉट्स सब यहाँ पे मौजूद है। देखें ब्यूटीफुल डे, आज इतनी ज़बरदस्त सन शाइन है और बहुत खूबसूरत वेदर चल रहा है। तो अभी ये मैं हार्बर पे हूँ, लेकिन मैं इसके साथ जो सैंडी बीचेस हैं वहाँ पे भी जाऊँगा और देख सकते हैं बहुत खूबसूरत चल रहा है। ये जी टूर की जब भी आएँ तो यहाँ से फिश एंड चिप्स जरूर खाएँ। दे हैव वेरी फ्रेश फिश फ्राम दिस साइड ऑफ द सी। इनकी कॉड फिश बहुत फेमस है, तो आप जब भी आएँ टोकी तो इसको ज़रूर खाएँ। तो अभी मैं लंच करने वाला हूँ यहाँ पे, एंड देन आई विल टेक यू डाउन नीचे जो सैंडी बीच है वहाँ पे लेके जाऊँगा। तो अभी मैंने फिश एंड चिप्स खा ली हैं, पेट फुल है, इट्स क्वाइट मैसिव। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मील था। आप जब भी टोकी आएँ तो फिश एंड चिप्स ज़रूर खाएँ। इनकी जो सॉस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, एंड इनका जो पोर्शन है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं इस टाइम पियर के ऊपर चल रहा हूँ, एंड बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म का वेदर चल रहा है। तो आई एम रियली इन्जॉइंग। मुझे याद आ गया कि मैं जब 2 ईयर्स बैक ओस्लो गया था तो एग्जैक्टली मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे, उनकी प्राइवेट यॉट है उसके पास, तो वहाँ मैंने बड़ा इन्जॉय किया था। तो एग्जैक्टली जो ओस्लो की जो हार्बर है वो एग्जैक्टली आप पीछे देख रहे हैं मेरे, एग्जैक्टली इसी तरह की है। तो इट वाज अ फन टाइम, लेकिन यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अभी मैं पियर के ऊपर एक लंबा राउंड लगाऊंगा ताकि जो खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो अभी आप मेरे पीछे देखेंगे, इस अमेजिंग सी है, बहुत बड़ा बीच है, ज़बरदस्त किस्म का हार्बर है एक्चुअली। तो भी आपको मैं सैंडी बीच पर जब जाऊंगा तो आपको उसका भी नज़ारा करेंगे। ओके, अभी मैंने तकरीबन कोई 10 मिनट्स की वॉक की है, तो आई थिंक आई एम रेडी टू, एक आइसक्रीम के लिए मैं तैयार हूँ। ज़बरदस्त किस्म की कौन आइसक्रीम बाय करेंगे। बहुत ज़बरदस्त वेदर है, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। अभी मैं बाहर से एक आइसक्रीम जो है
उसको टेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम है। जब आप फिश खा लें तो 15 मिनट वॉक करनी है एंड देन हैव आइसक्रीम। इट्स रियली नाइस वेदर, बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है यहाँ का। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ का वेदर इतना ज़बरदस्त होगा, बट रियली आई एम एंजॉइंग। तो आप लोग ज़रूर टोकी वीकेंड के ऊपर आएँ, 2 दिन के लिए स्टे करें, सराउंडिंग एरियाज जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल हम गोएप, बच्चों के लिए ज़बरदस्त किस्म की जगह है, ज़िप वायर एंड अदर स्टफ़, वो एक्टिविटी करेंगे तो एंजॉय करेंगे। टर्की के पेयर पे आ गए, वेंचर पेयर। जी अभी मैं पेड़ के ऊपर आ गया हूँ और वो होटल मुझे अपना नज़र आ रहा है दूर से। तो ये आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। सो दिस साइड, ये जो आप पीछे वॉल देख रहे हैं, नॉर्मली आप अंदर से गुजरते हैं इस ऑल द एडवेंचर्स कैसीनोज ऑल द गेम्स, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं बाहर की तरफ से आया हूँ। आप पीछे देख रहे होंगे ये छोटा सा गली में बना हुआ है साइड पे, तो उसके ऊपर चल कर जा रहा हूँ। तो जब भी आएँ कोशिश करें पीर के ऊपर आएँ, और अगर आप अपने पैसे डबल करना चाह रहे हैं तो अंदर मत जाएं, क्योंकि वो डबल नहीं होंगे, आप हमेशा लॉस में ही जाएंगे। सो इट्स बेटर स्टे आउटसाइड, पैसा मिल जाए और बाहर का खूबसूरत मंजर देखें, देखें कितना खूबसूरत सीन है पीछे साथ साथ। टाउन सेंटर में जा रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको जो लंदन का नॉर्मल टाउन सेंटर है उसमें आपको सारी ये फ्रेंचाइज शॉप्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत डिफरेंट शॉप्स हैं, तो ये अच्छी लग रही हैं। क्योंकि नॉर्मली यूके में आप किसी भी टाउन में जाएँ तो आपको शॉप्स एक जैसी नज़र आती हैं, तो ये अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत नाइस नीट क्लीन टाउन सेंटर है इनका। तो आप लाजमी आएँ और इन्जॉय करें। सो आई एम आउटसाइड माई होटल। ये कोई लग रहा है कोई पुराना किला जो है ना, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया है। इस गुड होटल लोकेशन जो है वो बहुत ही एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्लेस पे है। इसका जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, वो जो फ्रंट व्यू है वो सी फ्रंट व्यू है, तो उस वजह से आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट। और ये है कि हार्बर से, टोकी हार्बर से ये तकरीबन 10 मिनट्स की ड्राइव है, बट सारा सैंडी बीच है इसके फ्रंट पे। तो अगर आप टोकी आते हैं तो कोशिश करें कि आप रेड क्लिफ होटल याद रखें। रिव्यूज़ आर वेरी गुड, स्टाफ एक्सलेंट, रूम अच्छा है, लोकेशन स्पेशली बहुत अच्छी है, टोकी हार्बर से नज़दीक है, सैंडी बीचेस हैं। सो रिमेंबर दैट। नहीं जी, ये मैं होटल के रूम में आ गया हूँ एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय रूम। ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। सो अभी मैं नीचे जाऊँगा, बहुत खूबसूरत सैंडी बीच मुझे दिखाई दे रही है। सो अभी मैं नीचे जाऊँगा और वेदर भी बहुत ही नाइस किस्म का वेदर है, नाइस सनी शाइनी डे है, टेम्परेचर इज़ अबाउट 20-22,
तो अभी नीचे जाकर एंजॉय करते हैं। ओके जी, अभी मैं नीचे आ गया हूँ, लास्ट माई होटल। और नीचे सारा जो है ये ज़बरदस्त स्मेली बीच है, पानी बहुत ठंडा लग रहा है। सो आज दिन बहुत ज़बरदस्त अगेन। ओके सो अभी मैं नीचे देख रहे हैं, बीच पे चल रहा हूँ। बहुत सनशाइन, अगर आप यहाँ पे बारबेक्यू करना चाहें तो आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, और अगर आप क्रिकेट प्ले करना चाहें तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस। टेप बॉल जो है, या आपकी जो रबड़ बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल, उसके साथ बहुत अच्छा बीच पे क्रिकेट प्ले कर सकते हैं। परफेक्ट प्लेस है। और यहाँ पे आप अपना खाना पका के भी ला सकते हैं। अपनी चटाई ज़रूर लाएं, क्योंकि जो सैंड है काफ़ी वेट है, तो प्लास्टिक शीट या कोई चीज़ साथ लेकर आएँ तो आप इसको इजीली एंजॉय करेंगे। सो ओवरऑल इट्स अमेजिंग प्लेस, ब्यूटीफुल सनशाइन। So guys, do visit Toki. It's one of the beautiful harbor, beach, surrounding areas of Devon is just amazing. आप ज़रूर आएँ। So take care. Bye bye.